राजावर रामचंद्र की और मुक्त वंशी। आपने ये बात पूछी कि इस कलयुग के बीच के वहां जो है अपने दृष्टियों का कैसे उद्धार हुए, इसके लिए शास्त्र के बातों बहुत भारी छूट दी है। महाभारत में, पुराणा में, रामायण में जैसे बात आवे है कलयुग की, जैसे बहुत छूट दी है। और समझो कि तुलसीदास जी का है, कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कवे के कलयुग के समान कोई युग नहीं है जिसे कोई विश्वास करे, श्रद्धा करे। राम का गुण गाने से कैसा जो गुण है कि मल रही विमल विशुद्ध भगवान का जो गुण है, जिनका वो गायन करने से भव जो संसार सागर है इसको मनुष्य तर जाता है बिना कोई परिश्रम, बिना आयास के। कलयुग केवल नाम है आधारा, सोमवारी भव उतरऊ उपारा। कलयुग के बीच के मां तो एक भगवान के नाम को ही आधार है। इसको सुमरण करके संसार सागर से पार होना चाहिए। कलौ नास्त्य गति अन्यथा, ये भी कहे कलयुग में दूसरी गति नहीं है। हरेर नाम है केवलम, नास्त्य गति अन्यथा। हरे नाम केवल का मतलब है कि कलयुग के बीच के मां तो केवल हरि कोई नाम है। समझा? तो माने हरि को जो नाम है, भगवान के नाम को जो जप है, ये कोई कलयुग के मां प्रधान है। फिर कहे नास्ति एवं गति अन्यथा, माने दूसरी अन्यथा जो गति है तो है ही नहीं। 3 बार जो है हरि को नाम लेकर के या आवृत्ति करके या बात सिद्ध करी कि कलयुग के मां तो केवल हरि को नाम ही है तो कल्याण करने वाला है। और 3 बार नास्तिक अगर यह बात कही कि दूसरी कोई गति है ही नहीं। तो कलयुग को बहुत ही सुगम ऐसा बताया है। विष्णु पुराण के 6ठे अंश की 2 अध्याय के वहां वेद व्यास जी के पास में बहुत से ऋषि लोग आए, तो वेद व्यास जी स्नान करके जलाशय से बाहर निकल करके उनके पास आए, तो सब ऋषियों से पूछा कि आप कैसे आए। बोले हम जिस काम के लिए आए हैं वो बात तो बाद में पूछेंगे, किंतु पहली बात आप हमको ये बतलाओ, आप जब स्नान करते थे, जल में डुबकी लगाते थे, तो कहते थे कि आपने कलयुग को धन्य है। तो मैं को क्या मतलब है, यह बात आप पहला समझाओ। कलयुग ने अब धन क्या बदलावा था तो उन्हें उत्तर दियो और जुगा के बीच के वहां सतयुग त्रेता युग द्वापर आदि जो युग है उनके बीच के वहां जो है यज्ञ दान तप सुनियो स्वाध्याय और जितना जो उत्तम व्रत है जिका के पालन करने से मनुष्य को कल्याण हुआ जिसको कलयुग के मां केवल हरि के नाम से उद्धार हो जाओ भगवान की भक्ति से। इस वास्ते में यह बात कही कि कलयुग को धन है कलयुग को धन है। दूसरी बात यह कही कि सतयुग के बीच के मां 10 वर्ष साधन करने से और त्रेता युग के बीच के मां 1 वर्ष साधन 1 साल साधन करने से द्वापर युग में 1 महीने साधन करने से जो कार्य की सिद्धि है जिसकी कलयुग के मां 1 दिन में। इस वास्तव में केवल कलयुग ऐसो धन्य है कलयुग ऐसो धन्य। तीसरी बात यह कही कि सतयुग के बीच के मां तो ध्यान करने से आपने कल्याण होया करते और त्रेता युग के बीच के मां जग करने से और द्वापर युग के बीच के मां पूजा करने से और कलयुग में केवल हरि के नाम कीर्तन से तो कल्याण हो जावे। तो ये 3 श्लोक के अगर 3 उदाहरण देकर के बात बताई कि कलयुग के बीच के मां बहुत ही सुगमता है इसलिए कलयुग को मैंने धन्यवाद दिया। तो कलयुग को तो यो जवाब में जीवाप नहीं कि भी कलयुग के वहां क्या उद्धार है। दूसरी बात आई या कि गृहस्थाश्रम तो गृहस्थाश्रम में पुरुष भी है स्त्रियां भी है तो वहीं उसी अध्याय के बीच के वहां उन्होंने साथ में यह बात कही कि स्त्रियां धन्य है स्त्रियां धन्य है स्त्रियां धन्य स्त्रियां सुश्रेष्ठ है। तो बोले कि यह बात क्या बोले इसलिए कही पुरुषों के कल्याण के बीच के मां बड़ी कठिनता है। पुरुष ऐसा समझो कि आपने जप करे तप करे और यज्ञ दान सेवा आदि बहुत से जो कर्म बताए उसके करने से जो परमार्थ की सिद्धि हुए वह परमार्थ की सिद्धि स्त्रियों के लिए केवल पार्थिव धर्म के धारण करने से उद्धार। तो इस वास्तव में कभी भी स्वादिनी स्त्री है तो धन्य जगह पति है वह धन्य है कि पति मौजूद है तो मैं को उद्धार बहुत शीघ्र हो जाए। तो स्त्रियों के वास्ते यह सुगमता बतलाई कि शास्त्र के मां स्त्रियां भी है पुरुष भी है। फिर स्त्रियों के वास्ते करके उसी ध्यान के बीच के बाद जी बोलिया शूद्र सुधन्य शूद्र सुधन्य शूद्र तो बोलिया मतलब वो शूद्र ने धन्यवाद दियो। बोले इस बात के वास्ते धन्यवाद दियो कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो है संध्या उपासना गायत्री जप होम स्वाध्याय आदि करने से जो बनाने लाभ प्राप्त हो है कलयुग ने केवल सब वर्णा की सेवा करने से वही लाभ हो जाए। इस बात में कभी बने तो धन्य बिना परिश्रम काम सिद्ध हो जाए तो परमात्मा की बना पर विशेष रहा। इसलिए मैं तो जब शूद्रा को उद्धार हो जाए कलयुग के बीच के वहां तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को उद्धार हो जाए अधिकम फिर कर्ण ही क्या है। तो यह बात आपको बतलाई कि जमाने के बीच के मां बहुत ही शीघ्र उद्धार हो सका है और ईश्वर की भक्ति सभी वर्ण आश्रम में और सभी जुगा के मां सभी देश काल में मनुष्य कर सकता है। इसको महात्म जो है महत्व है सो सभी शास्त्रों के मां लिखे हुए है। यह बात सोच करके अपन इस जमाने के बीच के मां भगवान की भक्ति को बहुत तेजी के साथ में प्रचार करना चाहिए। ऐसे मुंह को बार बार मिलना अपने मुश्किल है। ईश्वर की बड़ी भारी अपने ऊपर कृपा हुई है जिसको इस देश काल और इस धर्म के में अपनो जन्म हो। भारत वर्ष डबल के कोई देश नहीं है आत्मा के कल्याण के लिए। और कलयुग के समान कोई काल नहीं है, सत्पुरुषों के संग के समान कोई संग नहीं है। सत्पुरुषों को सत्शास्त्र को जो संग है और शास्त्र के बीच के मान सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो जिस युग के मां शूद्र को भी उद्धार सहज में है, वहां फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को उद्धार हो जाए। कारण क्या है? कलयुग के बीच के मां फिर भगवान की शरण को जो मार्ग है, जिसको बहुत ही सरल है, उसके लिए यह बात कही है शास्त्र के वास्ते। मांगी पार्थिवाश्रित ये भी सुपाप यो ने अतियो वैसा तथा शूद्रा से भी अंत पराम गति। किसे पास मेरी शरण होगा, सोचे भाई सोचे शूद्र हो और चाहे चंडालियों ने भी क्यों नहीं हो, भगवान का कहना है कि मेरी शरण लेकर के वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये गीता की 9 अध्याय के 32 के श्लोक में भगवान ने कही। फिर कहते किन पुण्य ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजरा। फिर जो पुण्यात्मा जो ब्राह्मण है, राज की जो क्षत्रिय है, मेरी शरण आने पर उनका जो उद्धार हो जाए, उनको जो परम गति की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। तो इससे यह बात सिद्ध हुई कलयुग के बीच के मां सबसे बढ़कर के ईश्वर की शरण, ईश्वर की भक्ति है और वो भक्ति मौजूद है तो उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम संघ, उत्तम धर्म, ये सब बातें उत्तम उत्तम मिल करके अपन जी वंचित रहा भगवान की प्राप्ति से, तो आपने समान फिर मूर्ख कौन है। यह बात एक प्रकार से हर एक माता बहनों को, भाइयों को समझनी चाहिए। ये सब होकर के भी दीजिए अपने आत्मा को उद्धार नहीं हो तो आपने जी बहुत ही एक से समझो कि दुख की बात है, निंदा की बात है। जो न तारे भव सागर है, नर समाज ऐसे पार। शोकृत निंदक मंदमती आत्महम गति जाय सिया। जो न करे भवसागर नर समाज से पाए। जो नर है, जो मनुष्य इस प्रकार के समाज को पाकर के, इस प्रकार की सामग्री को पाकर के और जो भवसागर के पार नहीं तरता है तो मंद मती यानी मूर्ख है और निंदा का पात्र है। और आत्मा की हत्या करने वाले, आत्महत्या की जो दुर्गति है तो इस दुर्गति उसकी होगी। तो आत्मा की हत्या करने वाले की क्या दुर्गति है? यजुर्वेद माने जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी 40वें अध्याय के 30वें मंत्र में यह बात कही है। असूर्य नाम ते लोका अंधे न तमसा सांस्तेन प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के आत्मनो जना। असूर्य नाम ते लोका अंधे न तमसा, जिसके वहां ज्ञान नहीं है, ऐसा जो ऐश्वर्य नाम वाले जो लोग हैं, जिससे शुक्र कुक्र आदि जो त्रिक योनिया, पशु पक्षी कीट पतंग आदि ये जो त्रिक योनिया है और घोर जो नरक है और जहाँ घोर अंधकार है, ऐश्वर्य नाम वाली योनियों के भीतर में तो ज्ञान नहीं है और नरकों के बीच के वहां घोर अंधकार है। ये मरकर के जो आत्म त्यागी जो पुरुष है वे मरकर के उन लोगों को जाते हैं। कैसे जो लोग कहते हैं कि वहां अंधेरों भी है और ज्ञान भी नहीं। तो उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म और उत्तम सन और उत्तम शास्त्र, ये सब चीज की तजवीज लगने पर भी संसार के बीच के वहां फिर अपने लोगों को जन्म हुए तो अपने लिए बहुत शर्म की बात है, लज्जा की बात है, दुख की बात है, शोक की बात है। जो मनुष्य को शरीर अपने लोगों ने मिले है तो इससे लाभ उठाना चाहिए और इसने व्यर्थ है तो नहीं गंवाना चाहिए। ईश्वर ने समझो कि विवेक, बुद्धि, ज्ञान ये सब चीज अपने लोगों को दी है तो उससे अपना लाभ उठाना चाहिए। अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा यह समझना चाहिए कि प्रथम तो शरीर का भरोसा नहीं है कि नहीं मालूम ये तो शांत हो जाए, ये तो शांत होया ही पड़ा है। जो हम जीते हैं ये आश्चर्य की बात है। भीतर के हमारा जो सोना आता है आया नहीं आया इतनी बार का तो काम है। और जिससे एक द्वार हुए उसमें भी वो हवा ठहरनी मुश्किल है। जिसके 9 द्वार है ऐसा जो शरीर है इसमें हवा, प्राण, जो वायु कैसे टिकी हुई है भगवान ही जाने। तो यही आश्चर्य की बात है, मरना कोई आश्चर्य नहीं है। जब मृत्यु आगे प्राप्त हो तो खबर नहीं दे कि अमुक समय में आऊं, तो पहले से ही हम लोगों को अपना सावधान होकर के और अपना काम बना लेना चाहिए। जिसको आंखों में पश्चाताप करना नहीं तो घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं सो परत्र दुख पावही सिर धोने धोने पछिताय। सो परत्र दुख पावही सिर धोने धोने पछिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाया। जो ऐसे मनुष्य के शरीर को पा करके और भर सागर से नहीं तरता है वह मूर्ख आगे जाकर के काल, कर्म और ईश्वर को झूठा दोष है तो लगा लेगा। समय कलयुग का खराब आ गया इसलिए मेरी सदगति नहीं हुई, मैं साधन नहीं करने पाया। मेरे तकदीर के मां भगवान ने ये बात लिख दी। भगवान की यही मर्जी थी, इस कारण से मेरा उद्धार नहीं है। इस प्रकार का झूठा दोष उनके ऊपर लगा रहे। तो जिस बातों को सोच करके कि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम को शीघ्र सिद्ध कर लेना चाहिए। ये संसार के जितने जो पदार्थ स्त्री, पुत्र, धन, रुपया, मकान इत्यादि जो है ये कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी। अपना शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं है तो फिर इसलिए हम नाना प्रकार का अन्याय कर करके और अपने धन को बटोर रहे हैं। ये अपना जो कुटुंब है शरीर पास होने के बाद इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। जैसे पूर्व जन्म के माँ भी हमारे कुटुंब के सब लोग थे, हम जानते नहीं कि कौन फिर कौन नहीं। इसी प्रकार से यहाँ से विदा होने के बाद यहाँ के किसी को भी हम नहीं जानेंगे तो फिर कुटुंब के लिए हम पाप क्यों करें। अरे अपने शरीर के लिए कि शरीर के बाद यदि खूब खाओ पहले तो 10 मांस अधिक हो जाए तो क्या, कम हो जाए तो क्या, आखिर में तो मिट्टी में मिलना है, खाक में खाक वही है। या तो मनुष्य मरता है तो घर वाले जला करके खाक कर देते हैं या समझो जानवर भक्षण कर जाते हैं तो अपने वे मैला कर देते हैं, तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। या समझो कि जल के मां कहीं फेंक दिया हमारे को तो जल के जानवर खा जाते। दशा तो समझो कि यही तो होगी ना, और क्या दशा होगी। इस संसार के मां तीन ही चीज एक प्रकार से है, जल और समझो कि अग्नि और भूमि। या तो जो मनुष्य मर जाता है उसको भूमि में गाड़ देते हैं, या तो अग्नि में प्रवेश करा देते हैं, जल में प्रवेश करा देते हैं। तीन तो मार्ग है, तीनों का नतीजा आखिर में मट्टी होनी है। तो शरीर तो मट्टी की चीज और मट्टी में मिलने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के मां शरीर के लिए भी मोह करके अपने जीवन को हम क्यों नष्ट करें। इन सब बातों को विचार करके हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को अपने शीघ्र करना चाहिए। अपनी आत्मा के उद्धार करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, उस बात को हम भूल करके समझो कि जैसे कोई मदरा पी करके अनुमंत हो जा रहा है, ऐसे हम मोह रूपी माया का पान करके और अनुमंत की माफक हो रहे हैं। तो हमको थोड़ा विचार करना चाहिए, आगे पीछे का विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए आए, किस काम में हमारा समय बीत रहा है। ये जो अमूल्य जो मनुष्य का जीवन है इस प्रकार से बिताने की चीज नहीं है। श्रुति स्मृति सब कहते हैं कि तुम सावधान हो, चेत हो, जिस काम के लिए आए उसको संभालो। दुनिया में जितने जरूरी काम है तुम नहीं करोगे तो जो तुम्हारे उत्तराधिकारी होंगे ये कर लेंगे, किंतु तुम्हारी आत्मा का जो उद्धार करना है, तुम्हारी आत्मा का जो कल्याण करना है वो तो तुमको ही करना होगा। अगर बाकी रह जाएगा तो एक प्रकार से कोई भी तुम्हारा उत्तराधिकारी इसको पूर्ण नहीं करेगा। उनके भरोसे रहना बिल्कुल मूर्खता है। वे तुम्हारे उत्तराधिकारी अपना कल्याण कर ले तो भी ऐसा बहुत है। उनके भरोसे के ऊपर तुम इस असली काम को छोड़ करके जा रहे हो। अब तो तुम्हारे को सचेत होना चाहिए। वो तुम्हारा पुत्र है कि जो तुम्हारी आत्मा के कल्याण में मदद करे, नहीं तो वो पुत्र क्या है, मूत्र है। वो तुम्हारी नारी है जो तुम्हारे को इस काम के बीच के वहां मदद करे, नहीं तो वह नारी क्या, गुआरी है। और वो तुम्हारा सच्चा धन है, तुम्हारी असली संपत्ति है जो तुम्हारी मुक्ति में सहायक है, नहीं तो संपत्ति नहीं विपत्ति है। जब मनुष्य मरता है तो इसका मन इन्हें संपत्ति में अटकता है। तो ये सब बातों को विचार करके और त्रिलोकी के ऐसे को ठुकरा करके उस काम के लिए कोशिश करनी चाहिए जिस काम के लिए तुम आए हो, वही तुम्हारा एक नंबर काम है। इस प्रकार से महात्माओं ने जगह जगह अपने चेतावनी दी है, शास्त्रों ने तो इस प्रकार से फटकारा है, चिताया है। फिर भी एक प्रकार से हमारी दृष्टि नहीं खुले, हमारे को ज्ञान नहीं हुआ, तो इस समय को क्या मृत्यु होनी है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रामचंद्र की जय, मारुमुक्त बंसी वाले की जय। तो आपका जो सवाल था उसका ये उत्तर हो गया संक्षेप से कि इसे कलयुग के बीच के वहां गृहस्थाश्रम के बीच के वहां चाहे कोई भी क्यों निवासी हो, चाहे समझो कि पुरुष हो और शुद्ध हो, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की शरणागति से अपने कल्याण हो सकता है। इसलिए हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए और ईश्वर के लिए कर्म करने से भी, अपने अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर को पूजने से भी मुक्ति हो सकती है। ईश्वर की शरण से जो पापी से पापी की जो मुक्ति हो सकती है, ये बात तो गीता की 2:32 के श्लोक में कही। और अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान को पूजने से परम गति मिल जाती है, यह गीता के 18 जाके 40 के श्लोक में कही। गीता के 18 जाके 42 के श्लोक में ब्राह्मण के जो आपने प्रभावित है धर्म उनकी व्याख्या की और 43 के श्लोक में क्षत्रिय अपने धर्म की और 44 के श्लोक के बीच में जो वैश्य और ब्राह्मण का कर्तव्य बतलाया और 45 के श्लोक में यह बात कही कि स्वस्थ अपने अपने धर्म के मां रस हुआ पुरुष संसिद्धि परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। वो भगवान कहते कि मैं आगे के श्लोक में कहूंगा। अब ये कहते थे श्लोक बताया कि यथा प्रवृत्ति भूतानांगेन संविधन कदम स्वतमातम वैसे सिद्धि विनती मानो है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद धनानंद अचरानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।